बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 मेंटल मैथ क्वेश्चन बैंक क्लास 10। और बच्चों जो आपके बोर्ड की एग्जाम होने वाले हैं मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर, उसमें ये मेंटल मैथ आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा देखें और इसमें सीख कर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। सिखाने की बात मैं इसलिए करता हूँ कि जब आप दूसरों को बताते हैं ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस डबल होती है, और जब आप दूसरों को बताते तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ में आता है। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको दिखा देता हूँ। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल एम एंड एंगल एन। ठीक है बच्चों, हमें इस फिगर के अंदर यहाँ पर ये एंगल एम और ये एंगल एन ये वाला फाइंड करना है। आप फिगर देख ही रहे हैं ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा ठीक है। हालांकि इसमें गिवन नहीं है तो सिमिलर प्रूव करना होगा। और अब ध्यान से देखें इस फिगर को। देखिए हमारे पास है ए बी सी और एल एम एन ठीक है बच्चों, इस तरीके से दी हुई है। तो देखो यहाँ पर ये ए सी जो है वो 2 सेंटीमीटर है और इसका डबल जो आ रहा है वो एम एन है ठीक है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर बी सी 3 सेंटीमीटर है और एल एन 6 सेंटीमीटर है, और ए बी 2.5 है तो यहाँ पर एल एम 5 सेंटीमीटर है। तो साइड यहाँ पर जो दोनों ट्रायंगल की साइड दी हुई है वो इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको साइड से ही इसको सिमिलर प्रूव करने वाले हैं। आइए करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने पहले से लिख के रखा है क्वेश्चन को, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, आइए देखो, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एल एम एन ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर हमारी जो ए बी है ठीक है, वो इक्वल आ रही है एल एम के, मतलब इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है एल एम, यानी डबल हो रहा है। तो ए सी आती है एम एन, यहाँ पर ए सी बाई एम एन, और इक्वल बी सी बाई यहाँ पर एल एन ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इक्वल रेशो में डिवाइड हो रही है या नहीं। देखो ए बी है 2.5 और एल एम है 5, इक्वल यहाँ पर ए सी 2 और एम एन 4, बी सी 3 और एल एन 6 ठीक है। यहाँ पर ये डेसिमल आपको दिखाई दे रहा है, इसको हटाकर यहाँ पर एक जीरो लगा देते हैं, क्योंकि डिजिट के यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 ठीक है। 25 1 25 25 2 50 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 2 6 जी हाँ, ये सभी साइड इक्वल रेशो में डिवाइड करती हैं ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो कहने का मतलब है कि ये क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एल एम एन, इस तरीके से साइड 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 क्राइटेरियन से, इस तरीके से ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, मैं आपको दिखा देता हूं। एंगल एम और एंगल एन ठीक है। अब अगर हम इस ट्रायंगल को जो हमने लिया इसको ऐसे घुमा दे, यानी ये पार्ट हम इधर ले आए ऐसे घुमाकर, ऐसे ना इसको ऐसे घुमा दे, तो एंगल यहाँ पर ए यहाँ पर आएगा ठीक है, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल एम के। यहाँ पर एंगल ए इक्वल है एंगल एम के, और ए की वैल्यू क्या है 70 डिग्री, तो एम की भी वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री आ गई। अब हमें इस फिगर के अंदर एन फाइंड करना है ठीक है। आइए बस इतने काफ़ी हैं। इन ट्राइंगल एल एम एन ठीक है बच्चों, एंगल एंगल एल प्लस एंगल एम प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180, द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। यहां पर मैं लिख देता हूं द सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 ठीक है बच्चों। यहाँ पर तो देखियो एंगल एल की वैल्यू है, ये यहाँ पर एक बार आप फिर देख ले, एंगल एल की वैल्यू है 50 और एम है यहाँ पर 70 डिग्री आ गया। एन हमें फाइंड आउट करना है
तो 50 प्लस एम है 70 प्लस यहाँ पर एंगल एन हमें फाइंड आउट करना है, बड़ा एन बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, 120 डिग्री आता है इधर, और प्लस एंगल एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब 120 के सामने कोई साइन नहीं है, इधर ये प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो जाता है, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और एंगल एन की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से देखकर दूसरों को ज़रूर सिखाएं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।